जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जून 2024 में जरप क्वालिफाई करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरप क्वालिफाई करने का एक बहुत ही आसान तरीका। मतलब आप मात्र 60 दिन की तैयारी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरप क्वालिफाई कर सकते हो, और वो भी तब जब आज आपका ज्योग्राफी का बिल्कुल जीरो लेवल है। ठीक है, तो मात्र 60 दिन में ज्योग्राफी से जरप क्वालिफाई करने का मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, जहां पर आपकी शुरुआत बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से होगी और आपका सफर जरफ तक पूरा होगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो जो कैंडिडेट ज्योग्राफी से जरफ क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन ये वाला वीडियो है ना, उन सभी कैंडिडेटों के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की। उनका टारगेट है कि हमें जून 2024 में जरप क्वालिफाई करना है। उन्होंने पूरा डेडिकेशन बना लिया कि अब जो ये बचा हुआ लगभग 60 दिन का समय है, इसमें हम बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे और हम जून 2024 में जरप क्वालिफाई करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं भाई, ज्योग्राफी से जरप क्वालिफाई करने के लिए 50-60 दिन का समय बिल्कुल 100% सफिशियंट है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यार ज्योग्राफी से जरप क्वालिफाई करने के लिए 8-9 महीने की लगातार मेहनत चाहिए। भाई 8-9 महीने की नहीं, मात्र 50-60 दिन में आप ज्योग्राफी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरप क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा कॉन्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं। तो यदि आप चाहते हो ज्योग्राफी से जरप क्वालिफाई करना, वो भी बिना किसी रिस्क के, ऐसा नहीं कि चलो आपकी बार नहीं हुआ तो फिर दिसंबर 2024 वाला दे लेंगे। यदि आपका टारगेट है कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन जरप तो चाहिए जून 2024 में, हमें दिसंबर 2024 के लिए फिर से 6 महीने नहीं पढ़ना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। आपका जो जून 2024 में जरप का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत ही गजब तरीके से हेल्प करने वाला है। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरप क्वालिफाई है। मेरा हाईएस्ट स्कोर था 99.999% जिसको हम ओवरऑल सेकेंड रैंक कह सकते हैं। मैंने ज्योग्राफी से सेकेंड रैंक के साथ जरप क्वालिफाई किया है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। देखो, ज्योग्राफी से जरप क्वालिफाई करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका आसान तरीका हो सकता है और दूसरा जटिल तरीका हो सकता है। जटिल तरीका मैं उस तरीके को कहूँगा जहाँ पर आप लगातार 8-10 महीने तक ज्योग्राफी सब्जेक्ट की पर डे 12-13 घंटे मेहनत कर रहे हो और फिर आप जरप क्वालिफाई कर रहे हो। मैं आसान तरीका उस तरीके को कहूंगा जहां पर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की मात्र 2-3 महीने तक मेहनत कर रहे हो, वही रेगुलर 12-13 घंटे, और फिर आप जरप क्वालिफाई कर रहे हो। जितने भी कैंडिडेट ज्योग्राफी का एग्जाम देते हैं उनमें से 99% से ज्यादा कैंडिडेटों को केवल और केवल ये जो जटिल तरीका है ना, ये पता है। उनको ज्योग्राफी से जरप क्वालिफाई करने का जो आसान तरीका है ना, वो पता ही नहीं है। ठीक है, वहीं यदि हम मैं दूसरी साइड बात करूं, 1% से भी कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये आसान तरीका पता है। भाई हम जटिल तरीके में क्या करते हैं, हमारी साइकोलॉजी क्या रहती है। जैसे आपके दोस्त ने किसी ने जरप क्वालिफाई किया या किसी जानकार ने जरप क्वालिफाई किया, आप उससे डिस्कस करोगे कि यार आपने जरप क्वालिफाई किया, आपने क्या क्या पढ़ा। उन्होंने 4 किताबें बता दी, आप तुरंत वो 4 किताबें खरीदोगे, उनको पढ़ोगे। फिर आपको पता चला कि यार मेरे इस दोस्त ने भी या इसके इस दोस्त ने भी जरप क्वालिफाई किया है, उनसे बात करोगे, वो बताएंगे कि यार मैंने ये 3 किताबें पढ़ी थी, मेरा जरप हुआ, तुरंत 3 किताब खरीदोगे, फिर उनको पढ़ोगे। आपने YouTube पर वीडियो देखा, किसी जरप क्वालिफाई कैंडिडेट ने बता दिया कि मैंने ये 2 किताबें पढ़ी थी, तुरंत वो 2 किताबें खरीदोगे, फिर उनको पढ़ोगे। मतलब आप एक व्यवस्थित तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हो, आप बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी मेहनत एक व्यवस्थित तरीके से नहीं है। ठीक है, आप बहुत ही हार्ड तरीके से मेहनत कर रहे हो, जटिल तरीके से मेहनत कर रहे हो, जो कोई बता रहे हैं उसी को पढ़ रहे हो आप। ठीक है,
तो ये तो हो गया जटिल तरीका। जटिल तरीके में क्या होता है कि लोग लगभग 8 से 10 महीने तक तैयारी करते हैं, रेगुलर 12-13 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर जरफ क्वालिफाई होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मात्र 2-3 महीने तक पढ़ते हैं, 60-70 दिन पढ़ते हैं, ठीक है, वो रेगुलर 12-13 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। देखो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम सभी लोगों को जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो जटिल तरीका है ना, केवल वो पता है, ठीक है। हम यूट्यूब पर देखेंगे कोई वीडियो, बेस्ट बुक ज्योग्राफी फॉर जेआरएफ, तो उसमें 10-12 किताबें बताएंगे, हम उनको खरीदेंगे फिर पढ़ेंगे। हम असिस्टेंट प्रोफेसर से बात करेंगे जिन्होंने बहुत पहले जेआरएफ क्वालिफाई किया है, वो 10-12 किताब बताएंगे, उनको खरीदेंगे फिर उनको पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक तरीके से मैं कहूँ हम गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लंबे समय तक मेहनत कर रहे हैं, तब कहीं हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है। वहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, 2-3 महीने तक सेलेक्टेड तरीके से मेहनत करते हैं और बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं। क्योंकि जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का आसान तरीका है ना, ये हर एक कैंडिडेट को पता नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक बहुत ही आसान तरीका, जिसको मैंने खुद ने फॉलो किया, क्योंकि मेरा पीजी के साथ 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था, ठीक है, और पिछले 4 साल से जो 130 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया है, हमारे बैच से जो 130 प्लस कैंडिडेटों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है पिछले 4 साल में, उन लोगों ने भी इसी आसान तरीके को फॉलो किया है, ठीक है। और यदि आप इस आसान तरीके को फॉलो करोगे, हर हाल में जून 2024 में आपका भी जरा पक्का है, बिल्कुल, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहां पर एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरा क्वालिफाई करना है। अब हमारे पास लगभग 60 दिन का समय बचा हुआ है, मतलब हमें केवल 60 दिन की तैयारी से ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना है। मतलब हमें यहाँ पर आसान वाले तरीके को फॉलो करना पड़ेगा, ना कि जटिल तरीके को, ठीक है। तो ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, जिसका टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक ज़्यादा मार्क्स वाली यूनिट को पहले, दूसरा कम मार्क्स वाली यूनिट को पहले। देखो यदि आप जेआरएफ चाहते हो तो आपको पेपर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। पेपर पैटर्न का मतलब है कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर पैटर्न यूजीसी लगातार बदलता जा रहा है। 2019 या 20 से पहले की हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी की तीनों यूनिट और इंडिया ज्योग्राफी से लगभग 60-65% पेपर आता था। जिन लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी को तैयार कर लिया, उनका जेआरएफ हो जाता था। इसलिए आप उन कैंडिडेटों से डिस्कस करो जिनका 2020 से पहले जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, वो आपको केवल यही बताएंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि पहले का पेपर पैटर्न ये था। लेकिन वर्तमान समय का जो पेपर पैटर्न वो बिल्कुल बदल चुका है। वर्तमान समय में फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी से मात्र 25% पेपर आ रहे, मतलब केवल 25 क्वेश्चन आएंगे। अब आप चाहे कितना ही पढ़ लो इनको, और 25 क्वेश्चनों के बेस पर जेआरएफ और नेट तो बहुत दूर की बात है, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो यदि हमें आसान तरीके से जेआरएफ चाहिए तो हमें सबसे पहले उन यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा जो यूनिट छोटी छोटी है और जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले उन यूनिटों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना होगा जिन यूनिटों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब फिलहाल में कौन कौन से यूनिट है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गया, सोशल कल्चर हो गया, ट्रेड ट्रांसपोर्ट हो गया, कार्टोग्राफी हो गया, जियो टेक्निकल हो गया, स्टैटिकल ज्योग्राफी हो गया, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, थॉट हो गया, ईवीएस हो गया, रीजनल प्लानिंग हो गया। ये टोटली कुल मिलाकर 15 यूनिट हैं जहां से फिलहाल पे लगभग 65% पेपर बन रहा है, ठीक है। 2019-20 से पहले इन्हीं 15 यूनिटों से मात्र 25-30% या 30-35% पेपर बनता था, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ से कितना पेपर बन रहा है, 65% पेपर बन रहा है। ये जो 15 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनका हमें बहुत ही सिलेक्टेड स्मार्ट कंटेंट नहीं मिलता पढ़ने को, ठीक है। हम किसी कैंडिडेट से पूछेंगे यार पॉलिटिकल ज्योग्राफी के कोई बेस्ट बुक बताओ, वो आपको 2-3 किताबें बताएगा। अब वो किताबें आएंगी इतनी मोटी मोटी, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनमें, इन छोटी यूनिटों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे आप किताब की 10 लाइन पढ़ोगे ना, 10 पेज पढ़ोगे,
उन 10 पेजों में आपको एक लाइन ऐसी लगेगी जो आपको लगेगी कि यार ये हमारे काम की हो सकती है, 10 पेज पढ़ने के बाद एक लाइन। दूसरा, आपने पॉलिटिकल ज्योग्राफी की 3 किताबें ले ली, क्योंकि एक सिंगल किताब से कभी भी सिलेबस कवर नहीं होता। आपने पॉलिटिकल ज्योग्राफी की 3 किताबें ले ली, अब उनमें डाटा अलग अलग है, अब आप कंफ्यूज कि कौन सा डाटा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरीके से ये जो छोटी छोटी यूनिट हैं, इनको पढ़ने के लिए, इनको अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए मार्केट में बहुत बेस्ट कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ऑथेंटिक कंटेंट अवेलेबल नहीं है, पेपर के लेवल का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, जिनकी वजह से इन 15 यूनिटों को हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाते और पेपर पूरा पूरा यहीं से आता है। ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से अपने बैच की शुरुआत करते हैं और लास्ट में आकर इन 15 यूनिटों को मोटा मोटा पढ़ाकर और निकल जाते हैं। सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा दिया, इन यूनिट को ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, हमें लगेगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, पेपर देने के लिए बैठेंगे, पता चलेगा कि कुछ आ ही नहीं रहा। भाई आपने उन यूनिटों को तो अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं है जहाँ से पेपर आता है। तो आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये जो 15 यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, इनको ज़बरदस्त तरीके से तैयार करो, ठीक है, क्योंकि यहां से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। और यदि आपने इन छोटी छोटी 15 यूनिटों को जबरदस्त तरीके से तैयार कर लिया ना, आपका वहीं पर जरा पक्का है, ठीक है। अब वर्तमान समय में कम मार्क्स वाली यूनिट कौन कौन सी हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, ये यूनिट पहले बहुत मार्क्स की थी लेकिन अब इनसे केवल 25 क्वेश्चन आते हैं लगभग, ठीक है। और ये यूनिट बहुत लंबी चौड़ी है भाई, अकेला आप इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, ये छोटी छोटी आप 10 यूनिट पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इतना ही कंटेंट यदि आप यहाँ पर इन 10 यूनिटों में पढ़ते हो ना, तो प्यारे साथियों यहाँ से कितने क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे। ये होता है एक आसान तरीका, सही तरीका, ठीक है ना। तो यदि आप केवल इन 4 यूनिटों के पीछे आंख बंद करके लगे हो ना जबरदस्त तरीके से, तो प्यारे साथियों आप समझो जटिल वाला तरीका फॉलो कर रहे हो। और वहीं यदि आप इन यूनिटों के पीछे ये जो 15 यूनिट है इनको जबरदस्त तरीके से अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हो ना, तो समझो आप आसान तरीके को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेटों को ये प्रॉब्लम है कि सर फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी हमारा तैयार है, उसके हमारे पास बेस्ट बुक भी है, अब ये जो बाकी के 15 यूनिट हैं इनको कहाँ से तैयार करें। भाई हमारे यहाँ पर ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है ना, ये इसका मेन टारगेट क्या है, जरब क्वालिफाई करना, वो भी एक आसान तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये टोटली कुल मिलाकर जो 19 यूनिट है, 19 की 19 यूनिट का टॉपिक वाइज तरीके से आपको कंप्लीट कॉन्टेंट मिलेगा, ठीक है। स्पेशली तरीके से ये जो 15 यूनिट है जहाँ से फिलहाल में 65% पेपर आ रहा है, इनके ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहता है। दूसरी हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, कुछ टॉपिकों को हम छोड़ देते हैं, जो टॉपिक हमें टफ लगते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। देखो आजकल UGC का जो पेपर पैटर्न वो इतना खराब हो चुका है कि कई बार एक टॉपिक से भी 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। सपोज डेट हमने कंप्लीट सिलेबस में 10 टॉपिक छोड़ दिया, तो उन 10 टॉपिकों से 40 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम तो वहीं पर बाहर हो गए। तो हमें हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बहुत ही गहन तरीके से और बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करना है। हमें सबसे पहले ये जो 15 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करना है। हमारे ये जो गारंटी बैच है इसमें हम ये जो 15 यूनिट है इनको सबसे पहले कवर करते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। जैसे हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी लिया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज तरीके से हम तैयार करेंगे, ठीक है। कंप्लीट टॉपिक जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे यूनिट को शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन 15 यूनिटों को कंप्लीट करते हैं गारंटी बैच में, उसके बाद इन 4 यूनिटों को कंप्लीट करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी को, और इसी वजह से हमारा बैच का बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहता है, ठीक है। अब मैं आपको इस बैच की कुछ विशेषताएं बता देता हूँ। देखो इस बैच में हम जो टोटल कुल मिलाकर 19 यूनिट है, 19 की 19 यूनिटों को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो 15 यूनिट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो छोटी छोटी है, सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। चाहे फिर पेपर किसी भी तरीके का है, इजी पेपर आए तो भी हमारा अच्छा स्कोर हो, टफ पेपर आए तो भी हमारा स्कोर हो, 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आसान तरीके में क्या होता है, आसान तरीका वही तरीका होता है जिसमें आप कम पढ़कर गजब का स्कोर कर रहे हो।
तो कम पढ़कर गजब का स्कोर करने के लिए जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए और 100% सेलेक्टेड होना चाहिए। भाई आपका आज टारगेट क्या है? जरब क्वालिफाई करना, स्कोर को बढ़ाना, ना कि ज्ञान को बढ़ाना। यदि आप सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ोगे तो 100% आपका स्कोर बढ़ेगा, और यदि आप सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो, हाँ आपका ज्ञान जरूर बढ़ेगा लेकिन आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। और फिलहाल में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? स्कोर बढ़ाने की, ना कि ज्ञान बढ़ाने की। तो आपको यहाँ पर 100% एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। प्रत्येक टॉपिक का हम बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे 19 की 19 यूनिटों में। पेपर लेवल और पेपर पैटर्न दोनों के ऊपर हम बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। हम पेपर के डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है, कि पेपर क्या चाहता है, किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है हम उसी के अनुसार पढ़ेंगे, किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं हम उसी के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा ये हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया। टोटल 14 प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, ऑथेंटिक किताबें हैं और गाइड हैं। इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट तैयार किया। आपको यहाँ पर बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई आपको बाहर से कॉन्टेंट पढ़ने को पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर लाइव क्लास होगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी जिसको कभी भी कितनी बार स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। हर क्लास का PDF मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर, सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा प्यारे साथियों, मैं 100% पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, यदि आप हमारे इस कॉन्टेंट को पढ़ते हो ना, एग्जाम में कम से कम 80% आपको एज इट इज इसी कॉन्टेंट से देखने को मिलेंगे। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ये भी मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। और ये ऐसा कंटेंट है जिसको आप बहुत आसानी से मात्र 60 दिन में कवर कर सकते हो, 50 से 60 दिन में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। अब यदि आप बैच लेना चाहते हो, गारंटी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर है। सबसे पहले आप मेरे से कॉल करो या व्हाट्सअप पर चैट करो, बैच को लेकर जो भी डाउट्स है, जो भी कन्फ्यूजन, उनको क्लियर करो। जब लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो फिर आप ये बैच ज्वाइन करो, ठीक है। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद आप लाइफ में कभी ये नहीं पछताओगे कि हम एक गलत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए। आप केवल और केवल यही सोचोगे कि वो मेरी लाइफ का एक अच्छा वक्त था, एक अच्छा समय था, जिस समय में मैंने ये वीडियो देखा और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा, जिसकी वजह से मेरा जरफ हो गया, ठीक है। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि ये बैच ज्वाइन करने के बाद, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फिलहाल भी फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से जो अभी ऑफर में है, ठीक है। 1 ईयर वैलिडिटी का बैच भी है और जून वाले एग्जाम के लिए भी यहाँ पर बैच अवेलेबल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।